साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये सेवा पर विशेष विचार रखने जा रही है कि सबसे अच्छा फल जो होता है वो सेवा का होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, तन मन धन तिन्ना तो उच्ची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांति है। सतगुरु हमेशा यह चाहते हैं कि संसार के हर मानव की सेवा बिना किसी इच्छा के, बिना कोई मांग रखे और ऐसा भाव भी ना हो कि लोग मेरे नाम की चर्चा या प्रशंसा करें कि ये सेवा मैंने की है। ऐसी सेवा की जानी चाहिए जो निष्काम निरक्षित भाव से हो। सेवा श्रद्धा और प्यार से उत्पन्न हुई भावना का ही साकार रूप है। जब श्रद्धा और प्यार से सेवा की जाती है, वही सेवा सही मायनों में फलदायक होती है। अगर मन में श्रद्धा, प्यार व विश्वास ना हो तो कोई कभी सेवा नहीं कर सकता। सेवा सदा अपने से बड़े की ही होती है। अगर मन में यह भाव आ गया कि यह गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं इसकी सेवा क्यों करूँ, यह भाव रखकर अगर सेवा कर भी दी गई तो वह सेवा सेवा ना होकर एहसान जताने का कारण बन जाती है और अभिमान प्रकट हो जाता है। दया भाव में आकर किसी की मदद करने पर कहें कि यह सेवा की जा रही है तो वह भी सेवा नहीं होती। सेवा करते समय मन में यही भाव होता है कि यह मेरा मोहताज नहीं, इसे कोई कमी नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे सतगुरु की कृपा से यह सेवा करने का सुअवसर मिला है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सच्चे पातशाह ने मुझे यह सेवा बख्शी है। ऐसे भाव से की गई सेवा वास्तव में सुखदायी होती है। इस तरह के भाव हमेशा सतगुरु या किसी संत के प्रति ही बन पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में मानव की सेवा करते हुए ऐसे भाव होने चाहिए, परंतु यह तभी संभव होता है जब सब में सतगुरु का रूप नजर आए। हर घट में हरि को देखना सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। स्वयं सेवा करना आसान नहीं है, अपने अभिमान को मारना होता है, अपने आप को छोटा मानना होता है, मन में अदना भाव रखना होता है, तभी सेवा हो पाती है। महात्मा कहते हैं कि सेवा कमोनी ओखी, जींदे जी मर जावना। सेवा कमाने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। जीते जी मरने का अर्थ है कि हुक्म में रह कर की हुई सेवा ही सेवा होती है। जैसे कहा भी है, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम गत पाई। समय के अनुसार जैसा आदेश आए, सेवा करना सेवक का काम है। जब गुरसिख सतगुरु को ही सब कुछ समझता है तो सेवा अपने आप होती है। कहते हैं कि सेवा करने का निश्चय करने से या योजना बनाने से नहीं, बल्कि सेवा सतगुरु की कृपा से ही हो जाती है। जब सतगुरु को कर्ता मान लेते हैं तो सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। ये सतगुरु सच्चा पातशाह उस सेवा को करने का बल भी बख्शता है, ताकत बख्शता है, शक्ति देता है। स्वयं ऐसे अवसर बन जाते हैं जब मन में श्रद्धा, विश्वास, प्यार व त्याग का भाव बन जाता है। कहा जाता है कि सेवा सतगुरु व संत की ही होती है। जैसे सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तन करके मेहनत द्वारा, धन करके कुछ भेंट के रूप में, या मन करके मन में किसी भी प्रकार की लालसा के बिना, इच्छा के बिना दिल से की हुई सेवा वास्तविक सेवा होती है। महात्मा समझाते हैं कि सेवा के फल की इच्छा किए बिना जो सेवा की जाती है वही सच्ची सेवा होती है। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं
तन मन धन तीना तो ऊंची वो सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुर नु भांदी है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सेवा के बारे में हमें समझा रहे हैं कि भगत जो होता है निष्काम निरक्षित भाव से सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। कहते हैं कि जो निष्काम निरक्षित भाव से संत सेवा करता है, वही सेवा करने वाला भगत सदा आबाद रहता है। सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि सेवा का कोई फल ही नहीं होता, प्रतिफल तो हर काम का है, अच्छे का भी बुरे का भी, मगर लालसा या फल की इच्छा बंधन का कारण बनती है, जबकि निरक्षित सेवा हमेशा खुशी ही खुशी देती है। सेवा के फल की एक कथा भी है। कहते हैं एक राजा शिकार खेलने अपने वजीर के साथ जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई, राजा और वजीर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। राजा ने वजीर से क्वेश्चन किया कि यह बताओ, सेज कौन सी अच्छी होती है, जल कौन सा अच्छा होता है और फल कौन सा अच्छा होता है? वजीर बोला, सेज तो मखमल की अच्छी होती है, जल गंगा का अच्छा होता है और फल आम का सबसे अच्छा होता है। राजा समृत होता है, कहने लगा कि ये सब प्राप्त होने चाहिए। इतने में एक घास काटने वाला व्यक्ति जो ब्रह्मज्ञानी था, उसने राजा से कहा, महाराज वजीर झूठ बोल रहा है। राजा ने उस किसान को अपने पास बुलाया और कहा कि फिर आप ही बताइए कि सच क्या है। तब ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने कहा कि सेज बेफिक्री की अच्छी होती है, अगर फिक्र लगी हो तो चिंता हो तो मखमल की सेज पर भी नींद नहीं आएगी, बेफिक्री है तो कहीं भी सो जाइए, जल वही अच्छा होता है जो प्यास लगने पर पिया जाता है। उस वक्त जब प्यास लगी हो तो क्या गंगा की तरफ दौड़ेंगे, तब तक तो प्यास से प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसे ही फल सेवा का सबसे अच्छा होता है। आम का फल तो जब तक जीभ पर है तब तक रस देगा, लेकिन सेवा का फल तो 7 पीढ़ियों तक चलता है। अगर किसी व्यक्ति से कुछ सेवा हो गई है तो वह तो उसका फल भोगेगा ही, उसकी संतानें भी 7 पीढ़ियों तक उसका फल भोगती है। इसलिए महात्मा सेवा की ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं, सेवा जरूर करो और निष्काम भाव से करो। संत निरंकारी मिशन में हजारों सेवा दल के भाई बहन सेवा के मैदान में बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालसा के, बिना किसी झिझक के एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर सेवा करते हैं। और समागम मैदानों में वे सेवा दल व साध संगत मिलकर सेवा करते देखे जा रहे हैं। चाहे गड्ढे साफ करने की सेवा हो, नाले की सफाई हो, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत अधिकारी वे लाखों का व्यापार करने वाले बिजनेसमैन भी अपनी शान और शौकत की परवाह किए बिना श्रद्धा व विश्वास के साथ सेवाएं कर रहे हैं। उनके घरों में चाहे काम करने के लिए अनेकों ही नौकर क्यों न लगे हों, वे वहाँ अपने हाथों से सेवा करके खुशी महसूस करते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, निज सेवा से गुरु रिझाना, काम यही है सेवक का। जो श्रद्धा और विश्वास से भरे होते हैं वही सेवा कर पाते हैं और सतगुरु के प्यारे बन जाते हैं। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने निष्काम भाव से सेवा के मैदान में आना है। और जिस तरह हमारा 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम आ रहा है, तो इसमें भी हमारे हजारों लाखों सेवा दल के भाई बहन मिलकर सेवा करेंगे और इस नज़ारे को भी सभी ने देखना है और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनना है। संत समागम कोई जलसा या मेला नहीं है, ये तो अनुशासन और मर्यादा में रहकर सतगुरु से आशीर्वाद लेने का ये एक संत समागम है। कहते हैं
सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते हैं कि बेटा पत्नी धन दौलत ये तो पापियों के घर भी होती है, लेकिन जो संतों का समागम है, ये जो संत हरि कथा है, ये दुर्लभ लोगों को ही मिलती है। जिनके बहुत अच्छे भाग्य होते हैं ये उन्हीं को मिलती है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों से लगाया है और सेवा सिमरन सत्संग के हमें ये मौके बख्शे हैं। इस तरह ही हम सतगुरु के आदेश के अनुसार सेवा करते चले जाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, संतो हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। जैसा भी सतगुरु का आदेश देश आए हम उसको हूँ बहू किंतु परंतु किए बिना मानते चले जाएं। अगर हम सतगुरु के चरणों से रहमते लेना चाहते हैं, खुशियाँ लेना चाहते हैं, तो हम सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएं और 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की भी तैयारियां करें। संत समागम करीब आ चला है, अभी से ही चलने की करें हम तैयारी। संगत जी ने शब्दों से दासी आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की त्रुटियाँ हुई होंगी, उन त्रुटियों के लिए आप दासी को क्षमा कर देना। सास संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।